दोस्तों, कोविड-19 की वजह से देश में जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से एक सबसे बड़ी समस्या आई है, बेरोजगारी की समस्या। एक तो लॉकडाउन से पहले भी देश के अंदर में सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन जब से ये लॉकडाउन चला है जो पुराने एग्ज़ाम थे वो भी कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनमें एक डिप्रेशन का माहौल बन गया, एक निगेटिविटी का माहौल बन रहा है, क्योंकि सामने कोई एग्ज़ाम दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी करें तो आखिर किस चीज़ की करें या फिर कब तक तैयारी करें। साथ ही साथ में देश में जितने भी राज्य हैं उन लोगों ने ज़्यादातर अपना जो रेवेन्यू है वो कोविड-19 के लिए खर्च कर रखा है, तो कोई भी सरकार होगी वो हाल फिलहाल में जल्दी से रिक्रूटमेंट जो है नहीं करेगी। साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादातर कंपनियाँ लॉस में जा रही हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। अब इस केस में अभी एक क्वेश्चन बना है, उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए। देखो, जितनी भी होम डिलीवरी जो फूड डिलीवरी कंपनीज होती हैं उसके लिए आपने सुना होगा, जैसे कंपनी है स्विगी, स्विगी ने लगभग 1100 लोगों को अपनी जॉब से निकाल दिया है। साथ ही साथ में जोमेटो का आपने सुना होगा लगभग 550 लोगों को जॉब से निकाल चुका है। इसी प्रकार से ओला भी छटनी कर रहा है। इसी बीच में एक अच्छी खबर क्या है उसको लेकर बना है आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है, आपका पढ़ाई में मन लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है और किस वजह से नहीं लग पा रहा है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और सभी लोग एक दूसरे का कमेंट पढ़ना और देखते हैं कि सब लोगों के बीच में माहौल कैसा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत करी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमैटो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में जोमैटो के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, इनका एक ट्वीट देख लेते हैं, ये आप देख सकते हो, दीपेंद्र गोयल जो कि इस समय जोमैटो के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जोमैटोस टैलेंट डायरेक्टरी नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें उन्होंने अपने उन सभी एम्प्लॉयज़ का डिटेल लिखा है, उनका टैलेंट, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ इस लिस्ट में उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर। और एक अभियान चलाया है जिससे कि ऐसे लोग जिन लोगों को जॉब देने की, जो जॉब देना चाहते हैं, जिन लोगों को काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, वो इस डायरेक्टरी को देख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को जॉब दी जा सकती है तो उसको वो जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो टैलेंट डायरेक्टरी नाम से एक अभियान है ये जोमैटो के द्वारा शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि जोमैटो ने जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया था उन्हें जॉब लेने में, नई जॉब खोजने में ये एक हद तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मैं इतना कहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं, सियोरिटी नहीं है कि उसकी जॉब लग ही जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमैटो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जोमैटो ने टैलेंट डायरेक्टरी नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है नए लोगों को जॉब दिलाने के लिए, जिसका कि ट्वीट भी आप देख चुके हैं। जोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो दीपेंद्र गोयल इस समय जोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अभी तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं कि आप लोग इस कोरोना के माहौल में आपके दिमाग पर कैसा असर पड़ा है, आप क्या सोचते हो, ये चीज़ मुझे कमेंट पर लिखकर भेजना। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि जो पिछला महीना है यानी कि मई महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके पीडीएफ पर अभी काम चल रहा है। हो सकता है एक या दो दिन के अंदर में आपको वो जो पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगा। साथ ही साथ में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो मंथली पीडीएफ है वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग अलग मंथ का मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनाएं कि हाल ही में चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उप अध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। इस समय राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सर इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष चर्चा में क्यों चल रहे हैं। चर्चा में दोस्तों इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। इन्होंने एक बात बोली है कि अगर भारत देश जो कि कृषि प्रधान देश हुआ करता था, कृषि प्रधान देश है, वो अगर नेचुरल प्राकृतिक खेती और
कृषि विज्ञान के प्रचार प्रसार पर अगर फोकस करे तो वो 50 से 60 बिलियन डॉलर का कार्बन क्रेडिट तक भारत को पहुंच हो सकती है। यानी कि भारत को 50 से 60 मिलियन डॉलर का कार्बन क्रेडिट प्राप्त हो सकता है। किस वजह से? अगर हम लोग प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि सर ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है और ये 50 से 60 बिलियन का कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, होता ये है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके अंदर जो कारखाने चल रहे हैं उससे कार्बन उत्सर्जित होता है और वो कार्बन वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। इस वजह से एक इंटरनेशनल संधि हुई थी क्योटो में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर एक देश का एक पैरामीटर सेट कर दिया जाएगा कि आप इतना कार्बन क्रेडिट जो है उत्सर्जित कर सकते हैं किसी भी साल में। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे कम करते हैं तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उस अमाउंट को आप किसी दूसरे देश को सेल भी कर सकते हैं। तो भारत के लिए जो लिमिट रखी गई है, जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जित करने वाले टॉप के तीन देश हैं उसमें अमेरिका, चीन और भारत, ये तीन देशों का नाम आता है। अब भारत क्या करेगा, जो इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बोला है कि भारत क्या करेगा, अगर भारत नेचुरल खेती और कृषि विज्ञान पर फोकस करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है लिमिट है वो पूरा नहीं होगा और उसमें जो बचा हुआ लिमिट है वो हम दूसरे देशों को दे सकते हैं। तो जितना लिमिट हमारा बचेगा वो अगर दूसरे देशों को देंगे तो लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का कार्बन क्रेडिट हमारे पास में बच सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब इसमें नीति आयोग के बारे में जानेंगे। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस समय नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि CEO हैं वो है अमिताभ कांत। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए किसने कर्नाटक के लिए कर्नाटका लिस्टनिंग डैशबोर्ड फॉर COVID-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो हाल ही में एक सरकार की कंपनी है जिसका नाम है नैसकॉम। तो नैसकॉम ने, वैसे तो ये सभी राज्यों के लिए हो सकता है कि इस डैशबोर्ड को बनाएगा, लेकिन इसने सबसे पहले कर्नाटका राज्य के लिए एक डैशबोर्ड का निर्माण किया है जिसका नाम है कर्नाटका लिस्टनिंग डैशबोर्ड फॉर COVID-19, जिसमें क्या करेगा, COVID-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसको यहाँ पर डैशबोर्ड में शो किया जाएगा। तो इसको नैसकॉम के द्वारा तैयार किया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड कर्नाटका लिस्टनिंग डैशबोर्ड, जिसमें COVID-19 का समरी होगा, उस स्टेट में कितने लोग रिकवर हुए, कितने सोर्सेस आए, कितनी टेस्टिंग हुई, कितने हॉस्पिटल में कैटेगरी है, इन सभी चीज़ों को किसी भी राज्य के अंदर में जितना भी डेटा हो सकता है COVID-19 से रिलेटेड उन सभी को यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। तो इसको नैसकॉम के द्वारा तैयार किया गया है। नैसकॉम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। चूँकि इसने सबसे पहले कर्नाटक के लिए बनाया है, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री का नाम है BS येदुरप्पा और राज्यपाल का नाम है बैजू भाई वाला। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं नैसकॉम के बारे में। नैसकॉम का जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैसकॉम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं UB प्रवीण राव। साथ ही साथ में और इस समय नैसकॉम के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर देखो चेयरमैन को अध्यक्ष बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है इसको प्रेसिडेंट कर लेंगे। प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं देवजानी घोष। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस समय चूंकि बहुत तेजी से वातावरण चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक रेयर तरीके का क्रिएचर मिला है जिसका बनेगा आज का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्रिएचर को आप देख सकते हैं, ये एक मछली है जो कि हाल ही में मिली है। अब इसको लेकर देखो बनेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरा बेटा आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस हो गया है। इसको फिर से शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली जिसको स्कॉर्पियन फिश
यानी कि है तो वो मछली लेकिन वो स्कॉर्पियन बिच्छू के आकार की एक मछली है, उसकी खोज करी है। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा पहली बार भारत में जीवित इस मछली को देखा गया है। इससे पहले भारत ने इसके बारे में सुना था या फिर इनको मृत अवस्था में ऐसी मछलियां मिली हों। इंडियन ओशियन में इस तरीके की मछली जो है, मतलब भारतीय पूरे क्षेत्र में ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी गई। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस मछली को देखा गया है। तो यहाँ पर इसका एक फ़ोटो दिखा देते हैं। ये मछली जो है नॉर्मल मछली से कुछ अलग प्रकार की दिखती है। इसमें आप देख सकते हैं ये बिच्छू के आकार की स्कॉर्पियन जैसी दिख रही है। इसमें इसका ये फिन अलग से ये दिख रहा है। इस तरफ आप देख सकते हो अलग ही प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है पूरा। तो ये मछली है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस मछली को कहाँ पर इन लोगों ने पकड़ा है। तो इस मछली को इन्होंने मन्नार की खाड़ी में इनको ये विशेष प्रकार की मछली देखने को मिली है। ठीक है, इस मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्पियनो सेप्सिस नेकलेक्टा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। साथ ही साथ में इसमें एक प्रकार की कह सकते हो चुभने वाले जहरीले कांटे होते हैं, और खास बात यह है कि रंग बदलने में ये सक्षम है, यानी कि जैसा जगह होगा वैसा ये रंग भी अपना चेंज कर सकती है। अब जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको खोजा गया है उसका नाम है CMFRI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल मैरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में स्थित है। इसके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। ठीक है, इसका नाम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है। एक बार हिंदी में इसका नाम आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसका नाम होता है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ में फ़ोटो यहाँ पर मिल रहा है। इस वजह से कंटेंट की क्वालिटी को देखते हुए आप इस वीडियो को जितना दिल से लाइक करेंगे उतने ही अच्छे कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे, और उसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। रविंदर सिंह ढिल्लो ने हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। 1 जून को उनको अपॉइंट कर दिया गया था। हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था, उस समय इनका नाम अनाउंस किया गया था लेकिन अब इनको अपॉइंट भी कर दिया गया है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का एक फ़ोटो देख लेंगे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश के अंदर जितनी भी पावर जो कंपनियां होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, पैसा उपलब्ध करवाती है, जो कि पावर क्षेत्र में काम करती हैं। तो रविंदर सिंह ढिल्लो का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है। ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने लाइफ सेविंग टेक्निक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? तो सी टैप नाम से एक योजना कह सकते हो, इसको लॉन्च किया है WHO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो WHO के द्वारा सी टैप नाम से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि COVID-19 से फाइट करने के लिए जितनी भी दवाइयां हैं, जितने भी सुझाव हैं, कोई मेडिसिन का रिकमेंडेशन है, साथ ही साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट हैं, इन सभी को सभी देशों के साथ में एक समान तरीके से पहुँचना चाहिए, जिसको सुनिश्चित करने के लिए ही WHO के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि COVID-19 रोगियों के लिए 1,00,000 बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जिसने कि COVID-19 के मरीजों के लिए 1,00,000
जो बेड हैं वो अरेंज कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी है उसको देखते हुए वहाँ पर जो केसेस हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। इसके बाद में है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा मीरा मोहंती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में आईएएस ऑफिसर मीरा मोहंती को पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिनका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पीएमओ में इस तरीके से डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। इसके बाद में है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है। तो इसमें देखो, विराट कोहली नहीं है, शिखर धवन नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग विराट कोहली से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, कुछ लोग रोहित शर्मा से हेट करते हैं। तो आप लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली में किसको ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करके बताना। तो हाल ही में रोहित शर्मा को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके लिए आप देख सकते हैं इसका सील दिख रहा है, इस तरफ आपको रोहित शर्मा दिख रहे हैं जिनको इसके लिए नामांकित किया गया है। इसके बाद में तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर आप इसका एक फोटो देख सकते हैं, तेलंगाना फॉर्मेशन डे जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 2 जून, सेकेंड ऑफ जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तेलंगाना जब बना था 2014 में, 2013 में इसका बिल पास हुआ था और 2014 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। उस समय इसके पहले जो मुख्यमंत्री बने थे के चंद्रशेखर राव, और पहले जो गवर्नर बने थे वो ESL नरसिम्हन। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले तेलंगाना को इंडिया के मैप में देखना चाहेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा 2 राज्य थे, आंध्र प्रदेश सिंगल एक राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसको ब्रेक करके इतना हिस्सा इसको तेलंगाना बनाया गया था, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये नीचे आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा जिसकी कैपिटल है अमरावती। ठीक है, आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना। सारे क्वेश्चंस को एक ही कमेंट में लिखकर मत भेजना, क्योंकि वो स्पैम में काउंट होता है और मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता है। एक क्वेश्चन का आंसर लिखना, इंटर मारकर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए नई नौकरी तलाशने के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमैटो। ठीक है, चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है। आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। तो आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। इसके बाद में है, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए किसने कर्नाटक लिस्टनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा नैसकॉम के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली स्कॉर्पियन फिश की खोज करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का पदभार संभाला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लो विल बी द राइट आंसर। अगला है कि किसने लाइफ सेविंग टेक्निक का समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। तो ये जो सी टैप है इसको लॉन्च किया है WHO ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कोविड-19 रोगियों के लिए
1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश इसका पहला राज्य बना है। पीएमओ का नया डायरेक्टर निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मीरा मोहंती। ऑप्शन नंबर बी देखकर इसको सही टिक कर देना। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामित किया है? सो गाइस, रोहित शर्मा विल बी द राइट आंसर। आई होप आपने सही आंसर लिखकर भेजा होगा। अब दोस्तों, आप लोगों से सभी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से हमारी टीम इस करंट अफेयर्स को तैयार करती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आपके लिए हो सकता है ज़्यादा मैटर ना करता हो, लेकिन आपका एक एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। इस वजह से इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।